सभी को नमस्कार। इस वक्त जो मैं हूँ बनारस की गलियों में हूँ और बनारस की गलियों में ये दिखा रहा हूँ, देखिए विश्वनाथ सूर्य बाबा का मंदिर है और आजकल बड़ी चर्चा में चल रहा है कि जो कि ये मेटर चल रहा है ज्ञान बापी मस्जिद जो चल रहा है मेटर, अभी आप लोगों को जैसा कि सुनने में मिल रहा होगा ज्ञान बापी मस्जिद बताया जा रहा है कि जो कि ये मंदिर बताया जा रहा है क्योंकि इसमें जो भी सैंपल जो भी मिले गए उससे ये पता चलता है, साफ साफ दर्शा रहा है इसमें मंदिर है वो मस्जिद का रूप नहीं है। तो इसी को मैटर को लेकर देखिए, जैसा कि अभी मोदी जी और श्रीमान हमारे प्राइम मिनिस्टर दर्शा रहे हैं, देखिए मंदिर मस्जिद पीछे मिल रहा है, इसी के सैंपल की वजह से अंदर जो भी सैंपल मिलने वाले हैं वो साफ साफ यही दर्शा रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। इसी कारणवश जो है कि उसको ज्ञान काफी जो मस्जिद है इससे काफ़ी मुद्दाएँ उठे हैं और बाकी सच क्या है मैं आप सभी को अगले वीडियो में मिलेगा कभी यहाँ आना हुआ तो। बाकी देखिए पीछे में बैकग्राउंड में साफ साफ एकदम दर्शा रहे इसी मंदिर, इसी जो है मंदिर को लेके मस्जिद का मामला जो सोचा है देखिए यही है। और अभी देखिए विश्वनाथ पुरी बाबा के गेट पे हम लोग खड़े हुए हैं, अभी तो दर्शन करने हम लोग आए थे तो दर्शन आने समय यहाँ पे बीच में मिल गया तो हमने सोचा इसका कॉन्टेक्ट क्यों ना बना ले। हाँ जी भैया नमस्कार, तो भैया यहीं के रहने वाले हैं तो भैया बताएंगे किस तरह का मैटर हुआ। भैया जो औरंगजेब ने दौड़ाया था काटने के लिए तो पंडित जी पुजारी वहाँ के उन्होंने शिवलिंग को उठाया और लेकर इनार में घुस गया, अंदर जो मस्जिद के अंदर एक इनार है उसमें शंकर जी को लेकर चले गए, उसके बाद औरंगजेब नहीं उनको मार पाया, वही शिवलिंग आज मिला है। तो जब योगी के सरकार योगी जी की सरकार में जो शोध हुआ है तो शिवलिंग मिला है, उसी की चर्चा चल रही है और बहुत ही जल्द टूटने वाला है और बाबा यहाँ से स्थापित होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ जो है बहुत पहले पंडित जी थे, तो पंडित जी थे पुजारी जी थे तो उस वक्त का तभी औरंगजेब का, तो औरंगजेब जो है कि किसी को पीछा कराया मारने जो उन्होंने क्या किया कि शिव जी का मंदिर था जो शिव जी का एक शिवलिंग था तो वो उनको लेके कुएं में कूद गए और कुएं में जब कूदे तो उसके बाद वही जो शिवलिंग है वो आज प्राप्त हुआ है कुछ दिनों के अंतराल, जो भी ये सब तारीख आप सभी को देखने को मिल रही होगी। तो इसी तरह किसी पे ये मुद्दा उठा है और बाकी सच क्या है अगले वीडियो में जो भी आने का दिखेगा। और इसी को जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सीएम जो चीफ मिनिस्टर योगी जी जो है चल रहे मुद्दा को देखिए सच क्या है झूठ क्या है, अगर मंदिर का समस्या है तो मंदिर बनेगा, अगर मस्जिद होगा तो मस्जिद बनेगा, ज्ञान जो मस्जिद का मैटर चल रहा है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो शॉर्टली में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो कि अभी ज्ञान माफी वाला मैटर चल रहा है जो कि प्रधानमंत्री श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बता रहे हैं आजकल की और काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। देखिए मस्जिद जो है ज्ञान माफी वाली यही मस्जिद है, देखिए बिल्कुल पीछे मेरे दिख रही हुई इसी मस्जिद को लेके जो कि बवाल चल रहा है आजकल। और ये देखिए हम लोग विश्वनाथ पुरी बाबा के मंदिर में इसी के अंदर जो ये मस्जिद है इसी के अंदर जो है कि बहुत इसके चिन्ह मिले हैं, प्रतिचिन्ह जो मंदिरों में बनाए जाते हैं सिंबल मिले हैं जो कि दर्शा रहा है कि ये जो ये बनाई गई है मस्जिद ये न कि मस्जिद की नहीं है, ये जो है मंदिर है। इसमें कई ऐसे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो कि बताया जा रहा है कि ये मंदिर ही है और जैसे जैसे पता नहीं जो भी शासक रहे हों इससे पहले उन्होंने इसको मस्जिद का रूप दे दिया है ऊपर गुंबज बना के, और ये जो है कि मंदिर है एक तरह से क्योंकि अंदर जो भी ढांचाएं मिली हैं जो भी सिंबल मिले हैं उससे पता चलता है साफ साफ कि ये मंदिर है। तो अभी देखिए शॉर्ट वीडियो में आगे दिखाने का। तो हुआ यूं तो वो रानी बहुत सुंदर थी हैं जी, राजपूत रानी थी जी, तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे पुजारी जी जी पुजारी ने सुना है ऐसा पर हुआ है कि नहीं हुआ ईश्वर जाने जी जी बाबा की सुना है। जो शिवलिंग बाबा मिला है जो शिवलिंग यहाँ मिला गया क्या वो सच है? सही बात मानी सच है बिल्कुल सही है बिल्कुल सच है। तो ये जो अभी आप बता रहे थे वही तो है अच्छा वही है हाँ। तो ये मस्जिद नहीं है ये जो है मंदिर था बाद में गुंबद ये मंदिर है ये मंदिर है जी ज्ञान व्यापक है ये मंदिर है जी। तो उनको उन्होंने उनका मतलब कर दिया अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा।